Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. तो गाइस आज मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के WWE के रिटर्न के बारे में। गाइस जैसे आपको पता है हमको जॉन सीना ऑलमोस्ट 1 ईयर से WWE में दिखे ही नहीं है और गाइस बहुत फैंस बहुत वक्त से रुक रहे हैं कि कब हमको फिर से जॉन सीना WWE के रिंग में दिख सकते हैं। सो गाइस इसके बारे में बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए, वो अपडेट जानने के लिए आखिर रहे क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है अगर आप WWE के बड़े वाले फैन हो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए। सो गाइस जैसे आपको पता है हमको जुलाई 16 से WWE में फिर से रेगुलर फैंस देखना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जुलाई 16 को जो स्मैकडाउन का एपिसोड रहेगा वो पहला एपिसोड रहेगा ओवर ईयर जहाँ पे हमको दिखेगा WWE में लाइव ऑडियंस। और गाइस ये शो के WWE बहुत ही बड़े बड़े चीजें प्लान कर रही है और गाइस PW इनसाइडर जो एक टॉप सोर्स है WWE का, उन्होंने हमको बोला है कि WWE अभी फिलहाल प्लान कर रही है जॉन सीना को वो शो के लिए लाने के लिए। गाइस PW इंसाइडर एक ऐसा छोटा मोटा सोर्स नहीं है, वो बहुत ही बड़ा सोर्स है और वो जो भी इन्फॉर्मेशन देता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूरेट रहता है। और उन्होंने बोला है कि WWE प्लान कर रही है जॉन सीना को ये शो के लिए लाने के लिए। और आपको पता है कि ये शो के बाद यानी मनी इन द बैंक के बाद हमको तुरंत दिखने वाला है SummerSlam जो WWE का सेकेंड बड़ा शो है साल का। और आपको पता है कि SummerSlam में WWE को बड़े बड़े मैचेस चाहिए रहते हैं और जॉन सीना जैसा स्टार आ रहा है तो मोस्ट प्रॉबली WWE एक बड़ा मैच तो प्लान कर रही होगी जॉन सीना के लिए। और अगर हम पूरे रोस्टर में देखें कि कौन सा वो सुपरस्टार है अगर जॉन सीना उसके साथ मैच रेसल करते हैं, क्या वो कौन सा मैच मनी मैच हो सकता है, तो बस पूरे रोस्टर में खाली एक ही बन रहा था है जिसके साथ अगर जॉन सीना रेसल करते हैं तो SummerSlam एक बहुत ही बड़ा इवेंट लगेगा और एक बड़ा मनी मैच भी मिल जाएगा WWE को। और वो मैच है अगेंस्ट द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल द करंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के अगेंस्ट। कैसे आपको पता है कि अगर रोमन रेंस और जॉन सीना का भी मैच होता है वो मोस्ट ऑफ द फैंस देखेगा क्योंकि एक बंदा है जो अभी के जनरेशन का फेस है और एक बंदा है जो पहले के जनरेशन का फेस था। अगर दोनों अभी रेसल करते हैं और दोनों हील और फेस है, रोमन रेंस हील और जॉन सीना फेस, तो ये बहुत ही बड़ा मैच होगा। आपको पता है अगर कंपनी के बड़े बेबी फेस का नाम लिया तो जॉन सीना का ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, कभी वहाँ पे आता है। रोमन रेंस अभी हील हुआ है लेकिन तब भी वो अभी अच्छा काम कर रहे हैं एज अ हील सुपरस्टार। अगर जॉन सीना जैसे बड़ा बेबी फेस सुपरस्टार रोमन रेंस को फेस करता है तो ये मैच ऑटोमेटिकली मेनस्ट्रीम मीडिया को भी हिट करेगा और बहुत ही बड़ा मनी मैच मिलेगा WWE को, इन रिटर्न को रेटिंग्स में भी फायदा देगा। तो अगर सर जॉन सीना का रिटर्न कन्फर्म हो जाए जुलाई 16 में तो हमको मोस्ट प्रॉबली उनका SummerSlam में भी मैच दिखेगा और मोस्ट प्रॉबली हो सकता है अगेंस्ट रोमन रेंस फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और गाइज अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक और गाइज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।